आजादी के अमृत महोत्सव व स्वर्णिम विजय वर्ष के उपलक्ष्य पर देश में अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राइजिंग स्टार बायोनेट्स के 16वीं सिख लाइट इन्फेंट्री बटालियन द्वारा शुरू की गई 10 दिवसीय साइकिल यात्रा शनिवार को मंडी से जोगिंदरनगर के लिए रवाना हो गई है। जोगिंदरनगर से ये साइकिल यात्रा धर्मपुर होते हुए जिला हमीरपुर पहुंचेगी। जोगिंदरनगर के लिए रवाना होने से पहले ऐतिहासिक पड्डल मैदान में एनसीसी कैडेट्स को लेफ्टिनेंट अभिषेक सांब्याल ने संबोधित किया। उन्होंने एनसीसी कैडेट्स को भारतीय सेना में होने वाली भर्तियों और देश की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों की जीवनी से अवगत करवाया। इस मौके पर एनसीसी कैडेट एलएफसी निकिता ठाकुर व पंकज कुमार ने अपने अनुभव भी साझा किए। इस अभियान के तहत साइकिल यात्रा के माध्यम से 554 किलोमीटर दूरी तय की जाएगी। इस यात्रा को जेसीओ 29 इन्फेंट्री डिवीजन द्वारा मामून कैंट से बीते 7 फरवरी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था, जिसका समापन 19 फरवरी को योल कैंट में होगा। जय हिंद, आई एम एलएफसी पंकज कुमार। आज हमारे बीच क्लस्टर यूनिवर्सिटी वीजीसी मंडी में राइजिंग स्टार कोर 16 सिखलाई की जो साइकिलिंग एक्सपेंडिचर की टीम पहुंची, जिसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट अभिषेक सर कर रहे थे। तो उन्होंने हमें काफ़ी अच्छे तरह से मोटिवेट किया टू ज्वाइनिंग इंडियन आर्म फोर्सेज। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर सभी छात्र सैनिकों को अपने अनुभवों के बारे में बताया। ये जो साइकिलिंग एक्सपीडिशन चलाया जा रहा है, यह जो स्वर्णिम विजय दिवस है, जो कि इस इंडो पाक वॉर 1971 में हुई और जिसके 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उसके उपलक्ष्य पर किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने सभी छात्र सैनिकों को अपने भविष्य में सेना में जाने के लिए, भारतीय सेना में जाने के लिए मोटिवेटेड किया, ताकि और डिफरेंट प्रकार की जो एंट्रीज हैं सेना में जाने के लिए, उनके बारे में भी जानकारी दिलाई। तो सभी छात्र सैनिकों को उनसे मिलकर बहुत अच्छा अनुभव रहा और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी छात्र सैनिक अपने भविष्य उज्ज्वल करेंगे और एक ना एक दिन सेना में अपना फ्यूचर जरूर बनाएंगे। जय हिंद एवरीवन, मायसेल्फ एलएफसी निकिता ठाकुर। Today the team of Rising Star Corps has arrived to our cluster university from 16 Siklai unit. So they have started a cycling expedition where they are commemorating the 15th anniversary of Swarnim Vijay Divas and 75 year of anniversary of independence, Indian Independence Day. So they have told us how we the youth can motivate towards the defense services, that is army, navy and air force. Being an air cadet, I'm truly motivated to join the Indian air force, where they have told us about the different entries, that is CDS, FCAT and as well as NDA entry. And they have also distributed the pamphlets through which we can guide others also to join the defense services in Indian army.